हेलो एवरीबॉडी, आज लॉज ऑफ मोशन की रेफरेंस फ्रेम की सीरीज में लिफ्ट और एलिवेटर को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे लिफ्ट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कैसे टैकल करें। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एक एलिवेटर है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेटर है, उसमें एक व्यक्ति जिसका मास है ना, वो एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। तो एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं, लिफ्ट की प्रॉब्लम लगती हमें मुश्किल है, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स को न केवल हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से बल्कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से कैसे सॉल्व करते हैं, और ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा क्योंकि इसमें हमें सूडो फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बच्चों को जनरली आसान भी होता है। चलिए देखते हैं, फिर नॉन इनर्शियल को भी लेंगे। सबसे पहले इस व्यक्ति को हम देखेंगे अर्थ के रेस्पेक्ट में, जिसको हम इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस मान लेते हैं। तो यहाँ एक ऑब्जर्वर मान लेते हैं कि यहाँ मेरे पास एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ए के रेस्पेक्ट में, और इस मैन का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये मैन इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो इसका एमजी एक्ट कर रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जितना नॉर्मल रिएक्शन होगा जितना इसने एक्शन फोर्स लगाया होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन, और वहीं से रीडिंग मिलती है हमको, तो एन कह दिया हमने इसको, राइट। ओके, अगर आप एक ही जगह पर हैं तो आपको लिफ्ट में ये व्यक्ति ए नॉट एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, राइट। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, तो लगा दे न्यूटन्स लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है, वो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब नेट फोर्स ए के रेस्पेक्ट में व्यक्ति ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब एन ज्यादा होना चाहिए, एम जी कम, तो नेट फोर्स हो गया एन माइनस एम जी, एम ए नॉट। एन की वैल्यू कैलकुलेट करना, तो एम जी इस तरफ आया तो एम जी प्लस एम ए नॉट हो गया, राइट। एम को कॉमन आउटसाइड ले लें तो जी प्लस ए नॉट। तो ये हमने देखा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इजी होता है, उसकी सहायता से कैसे नॉर्मल रिएक्शन निकाला है। अब इसी प्रॉब्लम को देखेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, यानी कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट। चलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं, मीन्स लिफ्ट के फ्रेम के रेफरेंस में। जैसे बी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे अपन, तो बी के रेस्पेक्ट में इस पर्सन का एबीडी तैयार करते हैं। हम देखते हैं कि ये बी वाला जो ऑब्जर्वर है इस पर्सन पर कौन कौन से फोर्स एक्ट करते हुए देख रहा है या फील कर रहा है। एक तो इसका एमजी होगा जो कि डाउनवर्ड होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जिसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। साथ ही साथ थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, आप इस लिफ्ट में हैं तो अनडाउटली नीचे की ओर आप एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं जो शूडो फोर्स होता है, क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन अपवर्ड है डाउनवर्ड। इसी तरीके से इस मैन पर भी एक्ट करेगा शूडो फोर्स मास इनटू अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, राइट। अब देखने वाली बात है, आप खुद देखिए, अगर आप इसी जगह पर हैं तो पर्सन आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, नहीं ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएं। लेकिन बी के रेस्पेक्ट में इस पर्सन का एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। नेट फोर्स इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स की बात करें अगर अपन, क्योंकि पर्सन रेस्ट में है तो ये जीरो होना चाहिए नेट फोर्स। तो अब एन माइनस टोटल फोर्स एम जी प्लस एम ए नॉट कर दिया, इक्वल क्या होगा, एम मल्टीप्लाई बाय जीरो। तो ये क्या आ गया हमारे पास में, जीरो। तो एन की वैल्यू क्या आ गई, एम जी प्लस एम नॉट, एम ए नॉट। एम को कॉमन ले लें तो एम जी प्लस ए नॉट, क्या वही आंसर हमारे पास आ गया। अब लिफ्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनके लिए एक शॉर्टकट मेथड तैयार कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा चाहे तो हम डील करें लिफ्ट की प्रॉब्लम को, लिफ्ट की प्रॉब्लम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, एक ही आंसर आता है हमारे पास में। हमारी एडवाइस है पहले आप दोनों तरीकों से कमांड करें क्वेश्चन पर, लेकिन फिर एक शॉर्टकट मेथड भी दिमाग में रखें जब भी प्रॉब्लम के लिए टाइम कम है आपके पास में, जनरली टाइम कम ही रहता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो भी फोर्स कैलकुलेट करना है, समटाइम हम नॉर्मल रिएक्शन की जरूरत पड़ेगी जैसे कि वेइंग मशीन पर है, टेंशन की जरूरत पड़ेगी जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस से कोई सस्पेंडेड है ब्लॉक,
तो वहाँ एक शॉर्ट टेक्निक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, जैसे हमने पहले भी यूज की है वर्टिकल प्लेन में ब्लॉक्स के मोशन के दौरान, कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है एसलेटेड है तो आपको सिंपली एम जी प्लस ए करना है, अगर डाउनवर्ड एसलरेटेड है तो माइनस कर लेते हैं हम, अगर रेस्ट में है या कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी से अप या डाउन है जा रही है उस केस में एसलेशन तो जीरो हो गया, तो एफ क्या हो जाएगा उस केस में, एफ इक्वल टू एम जी एम ले, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक व्यक्ति है हमारे पास में जो एक लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रही है। फ्री फॉल कैरी द मीनिंग कि एक्सेलरेशन कितना है, जी के बराबर है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन को आपकी प्रैक्टिस रहे इसलिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम में सॉल्व करेंगे, बाद में इसको शॉर्टकट टेक्निक से क्रॉस चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो हम इसका एफबीडी देखेंगे इस मैन का, एक ऑब्जर्वर जो कि कहां पर हो, अर्थ पर हो, यानी उसको हमने ए कह दिया, ए के रेस्पेक्ट में लगाएंगे न्यूटन सेकंड लॉ और देखेंगे इस पे कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा अनडाउटली, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा अपवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। और ए के रेस्पेक्ट में अनडाउटली लिफ्ट नीचे आ रही है तो ये पर्सन भी नीचे की तरफ आ रहा है तो डाउनवर्ड एक एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर है, राइट। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ नेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, हमारे पास में रख दें यहाँ पर, जब ये डाउनवर्ड आ रहा है तो अनडाउटली एम जी ज्यादा होना चाहिए तो नेट फोर्स हो गया एम जी माइनस एम ए, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया एम जी माइनस एम ए, एम को कॉमन ले लिया तो जी माइनस ए हो गया हमारे पास में। अब ए की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे को क्वेश्चन में, जी के बराबर, तो ए की वैल्यू को जी रख दें हम, तो जी माइनस जी तो कितना आ गया जीरो, तो m into 0 कितना आ गया 0, तो normal reaction हो गया 0। It carry the meaning कि free falling lift में weighing machine कितना reading देगा हमारे को 0, right? अब इसी को short technique से देखें अपन कि man accelerate हो रहा है downward, downward होता है तो हम क्या कहते हैं minus में लेते हैं m g minus a, a की value plate plus plot करते हैं यहाँ पर तो कितना है वो g के बराबर, कितना गया 0, तो n इक्वल टू 0। तो अब हमारी ये एडवाइज है कि आप इनिशियल फ्रेम से एक बार चेक करें, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए लिफ्ट की प्रॉब्लम में तो बस शॉर्ट टेक्निक लगा दें, ऊपर एसिलेट हो रहा है तो एम जी प्लस ए, डाउनवर्ड आ रहा है तो जी माइनस ए, और रेस्ट में है अगर लिफ्ट रुकी हुई है स्टेशनरी है तो सिंपली एम जी हमारे पास में हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस पर एक स्प्रिंग बैलेंस है जो कि हैंग है लिफ्ट की सीलिंग के साथ में और उससे एक ब्लॉक सस्पेंडेड है और आपकी लिफ्ट है डाउनवर्ड एसिलेट हो रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, राइट। अब हम क्वेश्चन को शॉर्टकट से कर ले, है ना। अब देखिए जो भी एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में वो रीडिंग देता है और वो एक्सटेंशन किसकी वजह से होगा, टेंशन की वजह से, तो मैं यहाँ फोर्स को टेंशन बोल देता हूँ, ठीक है, आप कुछ भी कहें। तो अब लिफ्ट स्टेशनरी है उसकी रीडिंग हमको क्वेश्चन में दे रखी है कि स्प्रिंग बैलेंस कितना दे रहा है 49 न्यूटन, तो शॉर्टकट में देखा था अगर रेस्ट में होती है तो फोर्स क्या होता है हमारा एम जी के बराबर, तो यहाँ टेंशन कह रहे हैं फोर्स को हम, तो हमारे पास में टी क्या हो जाएगा एम जी के बराबर, वो गिवेन है हमारे पास में 49 न्यूटन, राइट। अब लेते हैं लिफ्ट जब डाउनवर्ड एक्सीलरेट हो रही है तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला आ जाता है, नीचे आता है तो आप बताइए एम जी माइनस ए, यस एम जी माइनस ए, ठीक है, ओके। अब वैल्यू रखते हैं हमें जब रेस्ट में था तो एम जी इक्वल टू 49 दे रखा, तो आप सोचिए यदि मेरे को एम की वैल्यू निकालना है तो जी का डिवाइड करेंगे 49 डिवाइडेड बाय जी, राइट। वैल्यू रख दें, जी को हमने 10 ले लिया, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आप 9.8 लेंगे तो ये हो गया मेरे पास में 4.9, 10 का डिवाइड किया तो और ये हो गया 5, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास रीडिंग आ गई इसकी t इक्वल टू 24.5 न्यूटन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
अब एक इसमें लिफ्ट है मेरे पास और इसमें एक एटवोड मशीन है। एटवोड मशीन का मतलब एक पुली और मासेस स्ट्रिंग की सहायता से कनेक्टेड है। अब इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम कि लिफ्ट एक्सेलरेटेड है, इट्स ओके, लेकिन ये सिस्टम अंदर जो ब्लॉक्स हैं वो स्टेशनरी नहीं है लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, ये ब्लॉक भी मूवमेंट करेंगे, राइट। तो देखिए कैसे टेकल करते हैं। सबसे पहले तो एक वर्डिंग इसमें बोली गई है एक्चुअल एक्सेलरेशन। एक्चुअल एक्सेलरेशन मतलब आपके रेस्पेक्ट में, और आपको इन जनरल वेन यू आर नॉट गिवन, अर्थ पर मान के चलना होते हैं, अर्थ पे ही होते हैं, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में आपका आपके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन चाहिए दोनों ब्लॉक्स का, राइट। एक्चुअल एक्सेलरेशन का क्या मतलब हुआ, रेफरेंस फ्रेम जो कि ग्राउंड पर है, राइट, उसके रेस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, लिफ्ट की रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, फिर अर्थ के रेस्पेक्ट में। इसमें दो पार्ट रहेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, यानी कि मान लो ये लिफ्ट नहीं होती और ये सिस्टम अर्थ पर ही होता, तो इसका कुछ ना कुछ एसलेशन होता है, तो उसको हमने ए मान लिया कि 2m ब्लॉक ए एसलेशन से नीचे जा रहा है, एम ऊपर, उसे हमने ए मान लिया और उसे सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि लिफ्ट में, इसलिए इसको कह दिया लिफ्ट के रेस्पेक्ट, नथिंग एल्स। ओके, अब ब्लॉक का एफबीडी देखेंगे, दोनों ब्लॉक का, ये दोबारा से बना लिया हमने सिस्टम, राइट। देखिए टेंशन तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक होता है, अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। दिया इसको यहां मुझे दिखाना है तो अवे फ्रॉम द ब्लॉक अलोंग द स्ट्रिंग टी, थ्रू आउट द स्ट्रिंग एक ही होता है। एमजी की बात करें, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 2m पर 2mg डाउनवर्ड लगेगा, राइट। अब हमने लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ए एक्सेलरेशन माना है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इस पे एक सूडो फोर्सेस भी काम करेंगे, उसको भी हम दिखाएंगे। पहले दूसरे ब्लॉक स्मॉल m की भी बात कर लेते हैं, चलो इस दिखाई दें। अगर ए नॉट से ऊपर जा रहा है तो 2ma0 डाउनवर्ड सूडो फोर्स काम करने वाला है। स्मॉल m पर भी ये दोनों फोर्सेस दिखाएं अपन, mg डाउनवर्ड होगा और इस पर सूडो फोर्स, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ये भी डाउनवर्ड, ma0 होगा कि ये फोर्सेस काम कर रहे हैं, राइट। अब एक एक ब्लॉक का एबीडी देखते हैं, उस पर न्यूटन्स लॉ लगाते हैं, जनरल इक्वेशंस जो बनाते हैं अपन। तो स्मॉल एम ब्लॉक का एफबीडी यानी इस पर लगने वाले फोर्सेस को देखें, राइट। एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ। अब 2m ब्लॉक अनडाउटली डाउनवर्ड आएगा आपका यदि ए से, तो स्मॉल एम ऊपर जाएगा ए से। जब मैं नेट फोर्स कैलकुलेट करूंगा तो फिर ये टी ज्यादा होना चाहिए इन दोनों फोर्सेस के कंपेयर में, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, टी माइनस दिस, लिख लेते हैं, टी माइनस एम जी प्लस ए नॉट, वो मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया हमने, राइट। ए नॉट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवेन है जी बाई फोर, सब्स्टिट्यूट कर दें जी बाई फोर, इसे सॉल्व करें, यहाँ डिनोमिनेटर में फोर है, इसको फोर बाई फोर मान लिया होगा एम जी को, तो फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, तो हमारे पास हो गया 5mg/4m, इसको ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, राइट। अभी हमने एफबीडी देखा है किसका, स्मॉल एम मास का, इसी तरह के 2m का देखते हैं, 2m का, 2m पर टेंशन ऊपर की तरफ और ये दोनों फोर्सेस नीचे और ब्लॉक आ रहा है डाउनवर्ड, तो यदि इसके एफबीडी में यदि हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ की, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो जो नेट फोर्स होगा ये 2mg प्लस 2m0 ज्यादा होना चाहिए टेंशन से, राइट। तो लिख लेते हैं 2mg प्लस 2m0 माइनस t इक्वल टू 2sma, फाइन। अब a नॉट की वैल्यू गिवन है g बाई फोर, पुट कर दें यहाँ पर, अब इसको सॉल्व करें, ये 4 है तो यहाँ 4 लाने के लिए मुझे 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10, तो ये हो गया मेरे पास 10mg/4 माइनस टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम ए, राइट। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन बोल दिया, फाइन। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब उनको सॉल्व करेंगे, एक में टी प्लस में है एक में टी माइनस में, तो बेटर है कि एलिमिनेट करने के लिए दोनों को ऐड कर दें अपन, एक बार दोबारा लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन आई थी टी इक्वल टू माइनस 5mg/4 इक्वल टू एम ए, और सेकंड आपके सामने है, दोनों को सम करें,
तो देखिए ये टी से टी तो कैंसिल कर देते हैं, ये तो कैंसिल हो गया। अब इनका देखिए ये फोर तो डिनोमिनेटर में इक्वल है, तो 10 माइनस 5 का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 एम जी बाई 4, और ये ऐड होगा तो कितना होगा 3 सर। क्लियर है यहाँ तक? एम से एम कैंसिल करते हैं अपन, तो ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ गई है, 3 नीचे आएगा तो 12 बन गया ना, कैसा आया तो ए की वैल्यू आ गई है 5g/12। तो ये लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, लिफ्ट के अंदर राइट कितने एसिलेशन से ब्लॉक मूवमेंट कर रहे हैं अगर आप यहाँ पर हो, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा था एक्चुअल एसेलरेशन राइट। तो वो चीज फाइंड करेंगे अपन कि एसेलरेशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड फ्रंट एक्चुअल का मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट। तो यहाँ आप अपने आप को मान लीजिए ऑब्जर्वर ग्राउंड पर राइट, इसके रेस्पेक्ट में आप स्मॉल एम को यदि देखते हैं तो देखिए स्मॉल एम का ब्लॉक जिस सिस्टम में, वो सिस्टम खुद ए नॉट से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ एम क्या होगा, ए प्लस ए नॉट, वैल्यू रख दें दोनों की, ए की वैल्यू 5g/4 और ए नॉट की 10g/4। ये 12 बनाना है मेरे को, तो हम तो ऐसे ही करते हैं, बाकी आप एलसीएम ले लीजिए, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये 12 हो गया, तो 3, 5 और 3 कितना हो गया 8 8 by 12 आ जाना। अब आप आराम से इसको कट कर सकते हैं 8 और 12 को 4 की टेबल से, तो ये कट कर देते हैं 2 और ये 3 आ जाएगा। तो स्मॉल एम ब्लॉक का एसोलेशन कितना आ गया है 2g/3 राइट। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में 2m ब्लॉक का। जब आप यहां से देखते हैं तो ये ब्लॉक तो नीचे की तरफ आ रहा है राइट, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, लेकिन लिफ्ट पूरी ऊपर ही जा रही है, होगा तो अपवर्ड। तो आप देख सकते हैं यहां पर मुझे क्या करना होगा, a माइनस a नॉट, a की वैल्यू कितना आया था आपका 5g/12 और ये g/4। अब मैं इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं थोड़ी देर के लिए, ऐसा मान लें आप 3g/12 हो गया, तो क्या आने वाला है 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 से 12 को कैंसिल कर दें अपन, तो 6 टाइम चला जाएगा राइट। तो कितना आ जाएगा g/6 इज इट। तो आज हमने रेफरेंस फ्रेम या शूडो फोर्सेस को कैसे देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो सीरीज समाप्त की है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं, बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज फ्रिक्शन की सीरीज में। थैंक यू अगेन।